Hi guys, I'm Jyoti and you're watching Pop Bollywood. आज हमारे साथ एक ब्यूटीफुल एंड सेक्सी एक्ट्रेस हैं. वेल, शी इज नन अदर देन रिचा चड्ढा और उनके साथ उनके को स्टार अरसलान गोनी भी हैं. तो आइए करते हैं खूब सारी मस्ती और जानते हैं उनके फिल्म के बारे में. हाय अरसलान, वेलकम टू पॉप बॉलीवुड. हाय रिचा चड्ढा, वेलकम टू पॉप बॉलीवुड. तो पहले तो हम बताना चाहें, मतलब आपके जो ट्रेलर है जिया और जिया को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है यूट्यूब पर, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमें अच्छा लग रहा है कि लोगों को ये ट्रेलर अच्छा लगा. फिल्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है. दो लड़कियां साथ में ट्रैवल करती हैं, वहाँ उनको एक हसीन नौजवान आदमी वहाँ मिल जाते हैं, वो उनके गाइड बन जाते हैं. और कुछ एक लव स्टोरी है, कुछ ड्रामा है, कुछ थ्रिल है इसमें. एक सीक्रेट के साथ दोनों लड़कियाँ ट्रैवल कर रही हैं, तो आई थिंक इसीलिए लोगों को अच्छा लगा. एक फ्रेश, यंग, थोड़ी सी हैप्पी वाइब है फिल्म की. आप बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म के साथ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रिचा के साथ और कल्कि? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा दोनों के साथ काम करने के लिए. दोनों बहुत कमाल की एक्टर्स हैं, सब जानते हैं. और डेब्यू करने को मिले इतनी बड़ी दिग्गज हीरोइनों के साथ, तो कौन मना करेगा. क्यों, मजाक की क्या बात है? दिग्गज रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू यू कॉल मी दिग्गज. ठीक है, दिग्गज चड्ढा, दिग्गज रिचा जी. या अभी तो हमने देखा आप कितनी खिंचाई कर रहे हैं, तो जब शूट के दौरान कितनी खिंचाई हो रही थी आपकी और क्या क्या टिप्स मिल रहे थे आपको? टिप्स नहीं मिल रहे थे, खिंचाई हो रही थी पूरे शूट में. और रिचा ने ज़्यादा खिंचाई की मेरी. कल की तब भी स्वीट थी, मैं इसलिए उसकी एबसेंस में बोल रहा हूँ. वो बहुत स्वीट थी, रिचा ने मुझे बहुत तंग किया. आप कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है ये सरासर झूठ है, उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया और ऑपोजिशन पार्टी की साजिश. आपका फिल्म का सॉन्ग है नाच बसंती नाच, काफ़ी फेमस हो रहा है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, तो आपको इस मेकिंग के थ्रू कितना मज़ा आया ये सॉन्ग करने में? आई थिंक मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया कल्कि को डांस करते हुए देखने में, क्योंकि बेचारी ने बहुत रिहर्सल किया और फिल्म में बहुत अच्छा नाची है वो. फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें उनका डांस बहुत क्यूट लग रहा है और हम सबको मज़ा आया. हालांकि हम जम गए थे, नंगे पांव बीच की सर्दी पे डांस कर रहे थे, ठंडी, बिल्कुल बहुत बहुत ठंड थी वहाँ पे. दो या तीन डिग्री था मतलब, बट वो एहसास ऐसा होता था कि 0 डिग्री, उसको बोलते हैं फील्स लाइक 0 डिग्री, उस तरह का था वहाँ क्लाइमेट. और हमें ऐसे दिखाना था कि हम गर्मी में बहुत खुश हो रहे हैं. तो आई थिंक सबसे ज़्यादा कपड़े इन्होंने ही पहने थे और मज़ेदार गाना था और ऐसे हम टल्ली होके नाच रहे हैं, कुछ ऐसी फीलिंग हमने दी थी. सबसे ज़्यादा कपड़े उतारे भी मैंने थे उतारने में एंड में. अच्छा, हाँ, तीनों लेयर्स उतारनी पड़ी थी ना, और वो लड़कियों ने मेरे पर पानी भी फेंका था ठंडा. ये भी ऑपोजिशन की साजिश. ये ऑपोजिशन है कौन? आपने जैसे स्टोरी बताया कि ये दो फ्रेंड्स की कहानी है, तो आपकी रियल लाइफ में कोई ऐसी मतलब फ्रेंड बनी है जो आपके नाम की है? नहीं, अभी तक तो नहीं बनी. अगर कोई कोई रिचा है या चड्ढा तो पता नहीं, बहुत निकल आएंगे कहीं कहीं से. तो अभी तक तो नहीं बनी. अब एक्चुअली जब लाइफ में दोस्ती होती है तो नाम वाम नहीं देखते. या कोई ऐसा मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे आपकी फ्रेंड के साथ? हम बहुत सारे मोमेंट्स हैं ऐसे, तो हमारे बहुत खुराफाती गैंग था दोस्तों का, अभी भी है. उनमें से जो मेरी तरह अनमैरिड है वो अभी भी काफ़ी फ़न करती है लाइफ में, बाकी सब गृहस्थी की जिम्मेदारियों में बन चुकी हैं. बट मज़े आते हैं लड़कियों के साथ ट्रैवल करने में. एजेंडा सिर्फ ये होता है कि आज मस्ती करेंगे, यहाँ जाएंगे, ये खाएंगे, यहाँ चढ़ेंगे, यहाँ फ़ोटो खिंचाएंगे, यहाँ तैयार होंगे, यहाँ जाके रात को और डांस करेंगे डांस क्लब में, तो बहुत मज़ा आता है. अगर हम बात करें फुकरे की, तो फुकरे में आपका जो कैरेक्टर था भोली पंजाबन, लोगों को काफ़ी पसंद आया था, तो काफ़ी समय बाद ये फुकरे रिटर्न्स आ रही है, तो आपको कितना मतलब डिफ़िकल्ट था कि वो कैरेक्टर को फिर से रिवाइव करना? नहीं, मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं. मैं एक्चुअल में वैसी ही हूँ, घर में जाती हूँ तो मैं हंटर मारती हूँ अपने भाई को, बोलती हूँ चल घर साफ कर, और फिर जो भी मतलब मेरा बॉयफ्रेंड दोस्त जो भी घर आता है उनके मुंह में पोंछा बांध के उनको ज़मीन पे रगड़ती हूँ. उनके घर में जाओ अभी वहाँ पे लंगड़े और लूले लोग भाई का रोज हाथ टूटा होता है. हाँ, रोज हाथ टूटा होता है. जो लोग मेरा कर्जा लौटा नहीं पाते मैं उनकी किडनी निकाल लेती हूँ. समझिए आप
अगर आपकी बात करें तो आपके जो भाई है वो टीवी सीरियल्स में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आपने कभी सोचा था कि टीवी स्मॉल स्क्रीन से स्टार्ट करने का? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। नहीं, बचपन से नहीं, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। उसकी स्ट्रगल अलग थी, मेरी स्ट्रगल अलग थी। वो बहुत क्लियर था अपने दिमाग में उसको कैसे करना है, और उसको बहुत सक्सेस मिला उसमें, और बहुत आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। मेरा सोच अलग थी, स्ट्रगल अलग थी। और जब व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने उसे एक्चुअली पहले शुरू किया था, वो मेरे 1.5 साल बाद आया था। और जब मैंने शुरू किया था तब टेलीविज़न एक अलग जोन में था, आज वो एक बहुत अलग जोन में है। सो मेरी दोस्ती भी उन्हीं लोगों के साथ हुई जो फिल्मों में थे, मेरे जितने आसपास लोग थे वो सब फिल्मों से ही रिलेटेड थे। ऐसा कुछ नहीं, एकता भी तुम्हारे दोस्त है। वो तो अब बनी ना मेरी दोस्त, पर है तो वो एकता इज द क्वीन मैन ऑफ टेलीविजन। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये खुश हो गए, इनका डिम्पल दिख रहा है, ये ब्लश कर रहे हैं, देखिए। मेरे को लगता है कि ये आज सुबह पूरी खा गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वेल, हमने ट्रेलर में देखा आप तीनों काफी मस्ती कर रहे हैं ट्रेलर में, तो आप अभी कितना मिस कर रहे हैं कल्की को? बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि इंटरव्यू में कल्की को दौरे पड़ जाते हैं। वो बहुत ज्यादा हंसती हैं और मजाक करती हैं। स्पेशली जब इंटरव्यू हिंदी में हो तो हम उसको बहुत बहुत ज्यादा मिस करते हैं, क्योंकि हिंदी कच्ची है थोड़ी। हाँ, वो मतलब मैं कल्की के बारे में ये कहना चाहूँगी कि वो इतनी हार्ड वर्किंग है, और भी बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जो बाहर से आते हैं या और यहाँ अपनी जगह भी बना लेते हैं, पर कल्की ने जितने कम टाइम में हिंदी, अच्छी हिंदी सीख के उसको बोलना शुरू कर दिया, वो काबिल तारीफ है सच में। हम फिर से आते हैं फुकरे रिटर्न्स पे, तो आप कितना पर्सनली एक्साइटेड है फुकरे रिटर्न्स पे? आप जिया और जिया के बारे में पूछेंगे? हाँ पूछेंगी ना, हमारा बॉक्स ऑफिस देख के बोलेंगी क्या ये तो हमने सोचा ही नहीं था, हमने इस फिल्म को अंडर एस्टिमेट किया। ऋचा जी बताइए, जिया और जिया के सक्सेस के बारे में फुकरे से आपकी क्या उम्मीद हो रही है? हम बोलेंगे जिया और जिया रिटर्न्स बन रहा है, उसमें अरसलान और मेरा कैरेक्टर वापस, कल्की का भी कैरेक्टर वापस लेंगे, पर तब तक हमारी कुछ मतलब लव ट्रायंगल है ना, एक हटाना पड़ेगा। सो ये फुकरे रिटर्न्स के बारे में मैं एक्साइटेड हूँ, उसका ट्रेलर 15 को लॉन्च हो रहा है, तब आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में? नहीं, अभी तो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है नहीं। नहीं, हमें ऐसे ही न्यूज़ आई कि आप संजय दत्त की जो रिलीज है उसके साथ, बेचारी का नाम है उसका नाजिया हुसैन, उसका नाम है, हाँ, तो उसके साथ मैंने एक फिल्म की है, अभी ख़त्म की है, अभी 6 दिन का शूट बाकी है, अभी उसका टाइटल भी नहीं है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा कुछ बात करना मुझे अलाउड नहीं। काश तुम मेरे साथ फिल्म करते की ना, अभी एक और करते, चल करते, चल कैमरा सामने बोलो एक्शन, जस्ट नहीं इतने कम बजट की फिल्म नहीं। काश तुम मेरे साथ फिल्म करते, आप भी लड़कियां, आपको भी अपनी लड़कियों के साथ मस्ती करती होंगी, तो जरूर अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जाएं एक बार, दूसरी बार अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ जाएं फिल्म देखने, क्योंकि एक बॉयफ्रेंड भी है बहुत क्यूट से, लजीज लॉन्डे, तो बहुत मज़ा आएगा फिल्म में, और फ्रेश सुंदर फिल्म है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।